चटनी यही प्यारा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में यहाँ पे पतंग है, आपका धागा गायब हो गया। अरे ये उड़ी गया, उड़ी गया, उड़ी गया। एफ1 होगा, पकड़ो रेबेका, ये जीत गई, गेम ओवर। हाय गाइस, वेलकम बैक फॉर मी दुनिया ब्लॉग में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। ये पता है पूरी फैमिली को ऐसा लगता है लंच में खासकर, और यहाँ दीदी कर रही है बर्तन की साफ सफाई। बैठ के भाभी के हेल्प करती हूँ, वो तो मना करती है, इनकी बोलती है नहीं चलो एक जने नहीं सब मिलजुल काम करेंगे तो अच्छा लगता है। बच्चे मेरे बहू, भगवान की तरफ से मेरे तरफ से बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद। मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही हम बहुत आशीर्वाद देंगे। जहाँ रहेंगे अच्छा रहेंगे, पढ़ा लिख रहे, नौकरी कर रहे, जो भी करे अच्छा रहो। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को भगवान के आशीर्वाद। मैं बहुत चटनी बना रही हूँ, मेरे परिवार की चटनी पसंद रहता है, दाल भात सब्जी रहता है। फिर भी अभी धनिया मिल रहा तो चटनी बना लो, धनिया टमाटर आंवला लहसुन मिर्चा डाल करके बहुत अच्छा चटनी बनता है। नमक और तेल बना कर कुछ मेहनत नहीं है, काट के मिक्सी चला दो, सी पर पीसने में मेहनत होता है, लेकिन चटनी ज्यादा अच्छी लगती है ना मम्मी। हाँ सिलवटी की चटनी बहुत मस्त लगती है। सबके आगे वो एकदम ऑसम है। टाइम हो गया है तो मैं सोची चटनी पीस लूँ और फटाफट सबको खिला देती हूँ। हम सब बैठ के अभी बात ही कर रहे थे, पूरी फैमिली, मम्मी पापा मैं दीदी रीचा अमित सब इकट्ठे बैठ के बातें करते। नाश्ता करने के बाद सब बैठ जाते हैं एक जगह, सब बैठ के बातें करते हैं। तो यहाँ पर चटनी पीसने के लिए मैंने लिया है एक टमाटर, दो हरा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया पत्ता, लहसुन की एक कली, अदरक और आंवला। अगर आपको अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप दो से तीन मिर्चा इसमें यूज़ कर सकते हो। और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इन सबको बारीक 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 नहीं करना है, बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप कर लो, क्योंकि इसको आपको ग्राइंडिंग करनी है, इसको पीसना ही है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में आप कर सकते। तो क्या आप देख सकते हैं कितनी बार इन्होंने लहसुन छीला होगा, अभी भी इतना टाइम लग रहा है लहसुन छीलने में, एकदम चिपका हुआ है ना, नहीं निकल रहा है। लहसुन छिलती फिर भी नहीं हो रहा है। मम्मी से सीखना दोबारा, माँ का काम ही होता है बच्चों को सिखाना, बुढ़ापे का बच्चों का काम है माँ से सीखना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरा लहसुन गुम हो गया। सब कुछ चॉप करने के बाद इसको आप जार में डाल दे और ग्राइंड कर दे, बहुत सही स्मूथ और टेस्टी बनता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप चिलोटे पे पीस सकते हैं तो उसकी चटनी के आगे ये वाली चटनी फेल है। प्याज भी जरूर खाना चाहिए, खून तो सब इसे बुरा होगा, चाहे जान सब कुछ प्याज तक खा रहे हैं, रतन में नहीं खाते हैं हम तो, बस इसे तो खा ही लेते बच्चे लोग। वैसे आप लोग भी दाल चावल सब प्याज खा कर बिक नहीं, मस्त लगता है खाने में, मजा आता है। और यहाँ मैंने मम्मी के लिए लंच निकाली है। तो अब बारी है यहाँ पर सबके लिए लंच का प्लेट लगाने का, तो मैं यहाँ प्लेट लगा दू। चावल, दाल, चटनी, पापड़ भी सेक लो, पापड़ भी। और हाँ, पार्सल आया था और मैंने अपने बाथरूम के लिए कुछ चीज़ें मंगाई, स्टैंड मंगाया अपने बाथरूम के लिए, और उस पर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे हुआ आपका शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, कुछ भी डब्बा वगैरह या फिर साबुन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सुंदर स्टैंड है, बहुत प्यारा है। तो इसको मैं लगाने वाली हूँ बाथरूम में, मेरे बाथरूम में नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अपना आप कुछ भी रख सकते हो प्रोडक्ट, यहाँ भी यहाँ पे आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, यहाँ टावल रख सकते हो, यहाँ पे अपना लूफा आप टांग सकते हो, यहाँ टावल लगा सकते हो। बहुत सही चीज है, मुझे तो काफी पसंद है। और भी वैरायटी थी, एक था राउंड शेप में था तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा था, तो मुझे बड़ा नहीं चाहिए, तो मुझे छोटा ही चाहिए था, इसी शेप में चाहिए था। बहुत अच्छी चीज है ये, आप अपने बाथरूम में लगा सकते हो। इसको मैंने अमेजोन से बाय किया है और ये मुझे पड़ा है 1400 का। रेट वाइज और क्वालिटी वाइज चीज बहुत सही है, अच्छी है। तो इसको मैं बाथरूम में लगाने वाली हूँ, और जब मैं लगा लूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है। तो काफ़ी दिनों के बाद फाइनली आज मेरे बाथरूम में स्टैंड लग रहा है, क्योंकि इसके बिना बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, चीज़ें यहाँ वहाँ फैल जा रही थी। तो यहाँ पे रोहित और भैया
स्टैंड लगाने में लगे पड़े और टाइल्स पे वो ड्रिल है ना बार बार फिसल रहा था, लेकिन अच्छे से दोनों ने लगा दिया और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अपना कुछ भी रख सकते हो, अपना शैम्पू का बॉटल, कंडीशनर का, जो भी चीज़ें आपको बाथरूम में ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ में आसानी से आ जाएगी और अच्छा भी लगता है। यह चीज़ें नीचे यहाँ वहाँ फैली रहती है तो बिल्कुल बाथरूम गंदा सा लगता है। यहाँ पे पतंग है तो आज मैं पतंग उड़ाने वाली, मैं और चैलेंज किए कि किसका पतंग ज्यादा उड़ता है, यानी ऊंची तक उड़ता है। तो खैर मुझे तो आता नहीं, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको मात देने की। तो आज मामी और भतीजे का मस्त वाला चैलेंज होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। मेरे पास तीन पतंग है, एक दो और तीन, क्योंकि अभी इस टाइम हमारे यहाँ बहुत सारे पतंग लोग उड़ा रहे हैं तो कहीं हमारी पतंग कट ना जाए, इसलिए चक्कर में हमने तीन पतंग मंगा रखी है, तो मज़ा आएगा। और अभी रोहित सो रहा है, किसको पता नहीं कि पतंग आ गई है, वो कब से वेट कर रहा था, वेट करते करते सो गया, तो अभी फिलहाल भी जा रही है खाने। बच्चे सारे आइए, पतंग का नाम सुनते हैं। लो भाई, पहले ही पतंग बढ़ी, ये मेरी कहाँ गई? मैं चैलेंज करने वाली थी, मेरा भांजा ही गायब हो गया, आपका झांटा गायब हो गया, मैं कैसे करूँ? दीदी और तुम मैं हमारे साथ करने वाला है। अभी रोहित सो रहा है और लग रहा है सोते ही रहेगा, उसको पता कट गया तब तक आयुष आ गई मेरी टीम में। आयुष पतंग उड़ान होगी ना, नाक निकलना चाहिए। अभी रोहित आ गया, उठकर पतंग की खुशबू आ गई क्या? चलो मस्त, मुझे तो लगा कि मुझे आयुष के साथ काम चलाना पड़ेगा। अरे मैं ही पतंग उड़ा हूँ, मेरे को भी आता उड़ाने। आप हमके आप मम्मी मुझे सिखाएंगे पतंग उड़ाने, पतंग तो मेरे को भी आता उड़ाने, बच्चों ने खूब उड़ाया है। हर भाई बैठे थे मेरे को उड़ा के दे रहे थे, मैं उड़ाई नहीं, पकड़ ले रही थी। भाई जो आज की टीम है वे है मम्मी और पम्मी की दुनिया और रोहित और पापा, और देखते हैं दोनों टीमों में से कौन सी टीम आखिरकार इस कॉम्पिटिशन में जीतती है। ऐसे मेरे को जहां तक उम्मीद है मम्मी ही जीतेगी, ठीक है, रोहित की बस की बात नहीं है जीतना। क्यों रोहित? अरे मेरे को खेत में उड़ाना आता है, ये सब तो ठीक है, तो ठीक है, तुमको सुपरमैन वाली ताकत दे देंगे ऊपर, ठीक है, तुम ऊपर से फ्लाई भी कर सकते हो। आयुष तुमने क्या पतंग उड़ाया है, कहाँ पे? असम में। तो गाइस आखिरकार जो रोहित है ये पतंग बांधने वाला है, ऐसे मेरे को उम्मीद तो थी नहीं कि ये बांध लेगा, मगर इसकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। चल भाई रोहित, देखते हैं आज तू जीतता है या तेरी मामी जीतती है। तो गाइस पतंग उड़ाने से पहले मैं मंदिरी दिया जला लूंगी ताकि मेरी पतंग नीचे आ उड़े। मैं मजाक कर रही हूं, मैं डेली दिया दिखाती हूं सांप को। पापा पतंग लेके तो आप खड़े हो, उड़ा तो लोगे ना? नहीं उड़ा सकता। हाँ तो आपके टीम में आपके टीम में रोहित है, रोहित और आप हो, मेरी टीम में मम्मी है, और मम्मी में मम्मी, ठीक है, देखते हैं किसकी जीत होती है। तो यहाँ पर पतंग उड़ाने की चैलेंज स्टार्ट हो चुकी है, तो पापा सबसे पहले उड़ा रहे हो, फिर मुझे थमा देंगे कि तुम भी उड़ा। तो यहाँ पे मैं और पापा बहुत कोशिश की उड़ाने की, लेकिन किसी का भी पतंग उड़ा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भी लगी पड़ी हूँ, मैं तो मांझा ही खींचने में लग जाती हूँ, बार बार कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, कुछ समझ में नहीं आता किधर जा रहे। कभी कभी मैं नीचे लटका के उड़ाने की कोशिश की पर वहाँ भी नहीं मेरा उड़ पाया, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश किया। फिर फाइनली लास्ट में मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप फेंको फिर मैं उड़ा के देखती हूँ, यहाँ भी नहीं उड़ा। फिर पापा का नहीं उड़ा तो पापा बोले, बक मुझसे नहीं उड़ा, तुम ही लोग उड़ा। फिर पापा बोले कि उस साइड हवा है, तुम्हें उस साइड जाता हो, उस साइड उड़ा के देखते हो। और फिर रोहित आ गया कि मामी हटो आप तो नहीं होने वाला, मैं उड़ा के देखता हूँ। उड़ाओ ना पापा, बैठो बैठो।
भैया से तो नहीं उड़ा अभी तक, उल्टा छत के ऊपर चढ़ गया पता नहीं। अब देखिए रोहित नहीं उड़ा, ये उड़ा 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 दोनों ने उड़ाया है, उड़ा ले यहाँ पे कहाँ दो रिचा भी आ गई है, हमारी पतंग उड़ाने, हमारी तोड़ी नहीं है, रिचा की उड़ेगी। कोशिश में लगे हैं सारे लोग, अब उड़ेगी अब उड़ेगी, एक भी नहीं उड़ेगी। यहाँ मैं और रोहित धागा लपेट रहे, एक दूसरे का धागा एक दूसरे के मांझे में लपेट दिया है। ऐसे कैसे चलेगा भाई, पतंग कैसे उड़ेगा जब मांझा ही लपेट नहीं आ रहा है। तो एक बार दो, देखो उड़ जाएगी उड़ जाएगी, जल्दी जल्दी खींचो जल्दी जल्दी, तो गाइस फाइनली आपके भाई साहब की पतंग उड़ चुकी है। रोहित की नहीं उड़ी, कहाँ उड़ी भाई, मैं पहले बोल रहा था मेरे को नहीं आता, सारी वो चली गई। तो गाइज यहाँ पर हम सब ने हार मान ली, मम्मी पापा मैं रोहित, बाकियों ने बहुत कोशिश की उड़ाने की नहीं उड़ी, तो भैया ने बोला कि चलो अब लास्ट में मैं कोशिश करता हूँ। तो फाइनली आपके भाई साहब की पतंग उड़ी और बहुत ज़्यादा ऊँची उड़ी थी, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि चलो पापा की पतंग उड़ गई। और पतंग को देख के लग रहा था कि काश पतंग की जगह मैं होती और खुली हवा में उड़ती, सांस लेती, बहुत देखने में इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ पतंग ही पतंग दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। रोहित आज लिया पकड़, मैं उड़ाने आया हूँ यार, उसको उसको भी बांधना, बांधना नहीं मैंने, पकड़ना बांध, मैं बांधना है पकड़ना, मामा मैं का पकड़ता हूँ, मामा पकड़ो, ये पकड़, मामा पकड़ो, नीचे जा रहा है, ऊपर लो भैया ऊपर लो, ये वाला भी बांध रहा है उसको, जाट को भैया ऊपर करना। तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो पतंग है ये उड़ गई, जो दो टीम थी दोनों टीम में से कोई भी बंदा पतंग नहीं उड़ा पाए, ना रोहित उड़ा पाए, ना मम्मी ना पम्मी की दुनिया, और आखिरकार मेरे को ही जंग के मैदान में कूदना पड़ा और लास्ट में हमने पतंग उड़ाई भी। मेरे को अभी नहीं, 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 काटवट मत, काटवट मत, वो देख रहे हो सामने सारा बेमतलब में लग जाएगा। तो गाइस ये है हमारी, ये देखो कोई बंदा आया काटने के लिए, हटने में आओ, मामा 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 ये बार में मामा मामा बोलने लग जाते हैं, काटो काटो मामा घीचो, मामा घीचो जल्दी 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 जल्दी, क्या मामा काटो ना उसकी, दिल्ली में पतंग नहीं काटोगे तो क्या काटोगे, काटना नहीं काटना है, ऊपर लो ऊपर लो, सीधी हो जाएगी अपना भी छोड़ दो, चलो 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 सीधा 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 काट दो मामा काट दो, यहाँ पे पतंग आसमान की ऊंचाइयों पे पतंग बन दिया, और ये वाली पतंग कब से भिड़ रही है देखते कौन जीतेगा, मामा दिखा दो, अरे जल्दी 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 मामा कट गया, किसकी गति मेरी, छी ये जीत गई, ये मोमन पूरी हमारी पूरी हमारी पतंग जा रही है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पतंग हमारी है, ठीक है भाई दिखा वे देखिए, तो इस पतंग ने हमारा बहुत साथ दिया, तो गेम ओवर बाय बाय खत्म। तो गाइज ये जो हमारी एक एक लौती पतंग थी वो तो कट गई, दो दो पतंग थी हमारी, दो पतंग थी और दोनों बड़ी ही मुश्किलों के बाद पतंग हमारी आकाश को छुई थी। तो मम्मी मम्मी और पम्मी की दुनिया की जो टीम है वो दोनों टीम हार चुकी है, ठीक है,
हार गई है, दोनों से ही पतंग नहीं उड़ा। तो जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं तो लास्ट में मेरे को मैदान पे उतरना पड़ा और मुझसे भी एक बार में पतंग नहीं उड़ी, बड़ी मुश्किल के बाद पतंग उड़ी, मगर उड़ी हाँ। और लास्ट में फिर जो हमारी पतंग थी वह भी कट गई, काट दी, उड़ गई। वे देखो वे देखो वे देखो वे आकाश में जा रही पतंग, वे जा रही वे जा रही वे जा रही, मगर एक्चुअल में रियलिटी पतंग यही बैठ की पड़ी है हमारी। चलो ब्रांड दो। तो गाइस आज के इस कंपटीशन में जो मैच है वो मैच ड्रॉ होता है, क्योंकि ना तो मम्मी का उड़ा और यहाँ पे रोहित कहाँ गया, यहाँ पे पापा भी बैठे हैं, पापा का भी पतंग नहीं उड़ा। तो पापा आपका और मम्मी का दोनों का मैच जो होता है वो ड्रॉ हो गया है और जीता हूँ मैं जो कि एक्स्ट्रा प्लेयर था। पतंग उड़ाने के बाद हम सब नीचे चले गए खाना खाने के बाद। अब मैं आ गई हूँ ऊपर, तो बच्चों बताओ कैसा लगा पतंग उड़ाने? पापा की पतंग, पापा को पतंग काटनी चाहिए थी दूसरे की। बहुत कोशिश मैंने किया, रोहित ने, मम्मी ने, पापा ने, नहीं हुआ, मेरा हो गया, इसने भी किया सबने, लेकिन नहीं उड़ा, हमसे नहीं उड़ा। तो फाइनली भैया को मैदान में कूदना पड़ा कि चलो मैं उड़ा के दिखाता हूँ। तो दोनों टीमों में टाई हो गया क्योंकि भैया तो टीम में थे ही नहीं, तो मैच तो हम दो ही टीम हार गए, किसी ने नहीं जीता। लेकिन पतंग उड़ते हुए देख के बहुत मजा आया, क्या बोला, इतना अच्छा लगा। उसको पता क्या होता, पापा ने ऐसे अगर खींच तो दूसरी की पतंग कट जाती, पर खींची नहीं, पर हमारी कट गई। लेकिन पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिख रहा था, बहुत अच्छा लगता। शाम का नजारा इतना सुंदर लगता, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही और यहाँ पे कितनी देर तक शाम रहता है। आसाम में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, बहुत जल्दी सुबह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 बजे तक। और गैस कल फिर से पतंग उड़ाएंगे, हाँ, एक और करेंगे बच्चों के साथ। दो चार पतंग हमारे पास रखी हुई है तो हम उसको उड़ाएंगे, कल बच्चों के साथ उड़ाएंगे। और एक चीज और, जब भी बच्चे पतंग उड़ाए आपके साथ तो प्लीज आप लोग बच्चों के साथ रहना, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है पतंग उड़ाना। हम सारे लोग बच्चों के साथ थे, मैं थे, भैया थे, मतलब आपके भाई साहब थे, टीचर थी, मम्मी दीदी सब थी, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ना सही नहीं रहता। तो फिलहाल अभी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे से पहले आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबाना। भाई बच्चे क्या करा, प्यार दो, प्यार दो, बाय।